नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेवन पॉइंट सिक्स है क्वेश्चन में गिवन की मैंने चार्जड थर्टी माइक्रोफेरा फाइव मिली हेनरी इंडक्टर व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसोलेशन ओके अगर हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर और इंडक्टर को कनेक्ट किया है मान लेते हैं यहाँ पर एक हमने कैपेसिटर लिया है और एक इंडक्टर से उसे कनेक्ट कर दिया है एक इंडक्टर से उसे कनेक्ट कर दिया है और ये कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर हमने लिया था ओके okay? तो यहां पर ये एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा जिसको हम कहते हैं एल सी ऑसिलेटर इसे हम कहते हैं एल सी ये एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा जिसको हम कहते हैं एल सी ऑसिलेटर और इसका फ्रिक्वेंसी ओमेगा अगर हम देखें तो वो होता है वन डिवाइडेड बाई रूट एल सी ओके वन डिवाइडेड बाई रूट एल सी इसके लिए पूरा आपको हमारा डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना पड़ेगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ओमेगा इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई रूट एल सी कैसे होता है ओके okay. यहाँ पर अगर हम ओमेगा फाइंड करें दैट इज कॉल्ड फ्री फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ओके तो हम यहाँ पर एल का वैल्यू पुट करेंगे और एल का वैल्यू यहाँ पर ट्वेंटी सेवन मिली हेनरी यहाँ पर गिवन है और सी का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में थर्टी माइक्रोफेराड uh, गिवन है तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलने वाला है यहाँ पर एल uh, का वैल्यू है ट्वेंटी सेवन इंटू टेंडर्स टू पावर माइनस थ्री और थर्टी इंटू टेंडर्स टू पावर माइनस सिक्स है ना तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम uh, बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वन डिवाइडेड बाय है ना इस ट्वेंटी सेवन को नाइन इंटू थ्री लिख सकते हैं है ना और थर्टी uh, को हम लिख सकते हैं थ्री uh, इंटू टेंडर्स टू पावर माइनस नाइन और ये हो जाएगा माइनस एट है ना जब रूट से ये सारी चीजें बाहर आएगी तो हमारे पास में थ्री बाहर आएगा तो नाइन बाहर आएगा तो थ्री और थ्री इंटू थ्री भी यहाँ पर थ्री हो जाएगा तो इंटू टेंडर्स टू पावर माइनस फोर हम लिख सकते हैं ओके okay, तो ओमेगा इज इक्वल टू हमको यहाँ पर मिल रहा है वन डिवाइडेड बाई नाइन इंटू टेंडर फोर रेडियन पर सेकेंड ओके और अगर हम एफ़ की बात करें लीनियर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा डिवाइडेड बाई टू पाई होता है ओके okay, तो यहाँ पर आ, हम ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे वन बाई नाइन इंटू टेंडरस टू पावर फोर डिवाइडेड बाई टू पाई। ओके इनका जब हम वैल्यू देखते हैं तो ओमेगा का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगा आ, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वन पॉइंट वन वन इंटू टू पावर वन पॉइंट 1.11 पॉइंट वन पावर थ्री रेडियन पर सेकंड हमको मिलता है और अगर हम एफ uh, की बात करें उन्होंने यहां पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ही पूछा है आप यहां पर एफ़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं है ना मतलब 1.11 पॉइंट वन पावर फोर डिवाइडेड बाय 2 पाई अगर आप करेंगे तो हर्ट्स में आपके पास आंसर मिलेगा तो ये आप डिवाइड uh, एक बार करके देखिएगा Thank you very much.